नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो काउंसलिंग को लेकर आप सब में कुछ कन्फ्यूजन हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वो वीडियो। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया जो 4 साल वाली बीए बीएड और बीएससी बीएड है उनकी चल रही है, ठीक है। ज़्यादातर के जो कन्फ्यूजन हो रहा है वो मैं इस वीडियो में दूर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले कि कन्फ्यूजन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्या हम पहले क्या किसी एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे माना कि जयपुर है, पहले जयपुर की कॉलेज चूज कर ली 5, उसके बाद में दूसरी किसी डिस्ट्रिक्ट की 4 कॉलेज चूज कर ली, जैसे सीकर, तो उसके बाद में कौन क्या दोबारा जयपुर की कॉलेज चूज कर सकते हैं? तो ज़रूर कर सकते हो आप, ठीक है। पहले अगर पहली कॉलेज माना जयपुर से, दूसरी, तीसरी, चौथी सीकर से, पांचवी, छठी जयपुर से, तो कैसे भी कर सकते हो आप। तो ज़रूरी नहीं है कि पहले जिला है कोई तो उसकी पहले भरो, उसके बाद में दूसरे ज़िले की भरो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। अब दूसरी बात, जिलों का ऑप्शन आता है वो कब आता है वो देख लो। जिलों का ऑप्शन आता है वो तब आता है जब आप ऑल राजस्थान पर क्लिक करते हो। जब आप ऑल राजस्थान पर क्लिक करते हो तो जितनी भी कॉलेज आपने चूज किए उसके बाद में आपसे जिला पूछते हैं कि जयपुर, सीकर, चूरू, जो भी आपका जिला है वहाँ से क्या है, कौन कौन से जिले में आप चाहते हो आपको कॉलेज मिले। तो वो तब पूछते हैं जब आप ऑल राजस्थान पर क्या करो, क्लिक करो, ठीक है। ऑल राजस्थान पर क्लिक करते हो तभी आपको जिले पूछते हैं, वरना अगर आप कॉलेज चूज करते हो तब आपसे कोई जिला नहीं पूछा जाता। आप किसी भी जिले की कोई भी कॉलेज कितने भी नंबर पर, किसी भी नंबर पर आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो ये कन्फ्यूजन है इसको दूर कीजिए। और बाकी अगर आपके 270-280 से ऊपर नंबर है जितनों के भी, सभी काउंसलिंग में भाग लीजिए, ठीक है। आपका नंबर आराम से आ सकता है क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल थोड़ा कम है, क्योंकि अभी ये इतना प्रचलित कोर्स नहीं हुआ है, ठीक है। और एक जो आ रहा है कन्फ्यूजन सबके, वो मैं भी बता देता हूँ। एक कन्फ्यूजन आ रहा है कि जैसे आपने बीएससी बीएड की, ठीक है, बीएससी बीएड की 4 साल वाली, तो क्या ये बीएससी की जो डिग्री है ये भी मिलेगी आपको, यानी कि क्या सिर्फ ये टीचिंग में ही काम आएगी या फिर आप ग्रेजुएशन और बीएड दोनों की डिग्री यूज में ले सकते हो? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आप इसका उपयोग ग्रेजुएशन के रूप में भी कर सकोगे और टीचिंग लेवल में भी कर सकोगे। तो ये भी कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। और बाकी आप काउंसलिंग में क्या है, जो अनऑफिशियल साइट है उस पर कोई काउंसलिंग ना करवाए, और अपनी जो जितने भी आप जो भी काम करते हो उसका प्रिंट ले लें। जैसे यहाँ पर पेमेंट का, प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है पेमेंट का ऑप्शन, प्रिंट का, और यहाँ पर जो कॉलेज चूज किया उसके प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, और 270-280 से ऊपर अगर आपके नंबर है किसी भी कैटेगरी से हो आप, तो काउंसलिंग में भाग लीजिए, ठीक है। और कॉलेज 15-20 से कम कॉलेज चूज ना करें, ठीक है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये नहीं कि 5-7 कर दिया आपके 400 नंबर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना आपसे कम नंबर वाले कॉलेज ले जाएंगे और आप रह जाओगे। तो इसमें आप कोई अगर और कन्फ्यूज हो तो आप कन्फ्यूजन, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन दूर करना हो तो कमेंट में आप मुझे बताइए, मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।